May I come in, sir? Yes, please. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Bet you. Please take your seat. Thank you, sir. तो अपने बारे में कुछ आप बताइए, ठीक है ना, जिसके आधार पर आपका इंटरव्यू लिया जा सके। उसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जो जानकारी है, आपका नाम, आपके राज्य का नाम, जाति और धर्म, उसको शेयर नहीं करना है। सर, मेरी ग्रेजुएशन बीटेक है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल स्ट्रीम से, और सर मैंने ये गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा से की है। सर, इसके अतिरिक्त मेरी जो हॉबीज़ है उसमें चेस खेलना और पोएम लिखना शामिल है। ठीक है, तो हिस्ट्री आपने ऑप्शनल रखा हुआ है। यस सर। और अभी हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यस सर। और हम लोग अपने जो फॉरगॉटन हीरोज थे, जिन लोगों को हमने भुला दिया था, उनको हम खोज भी रहे हैं। आप बता सकते हैं कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में तवायफों का क्या योगदान था? सॉरी सर, इसका आइडिया नहीं है। सर, इसका आइडिया नहीं है? नहीं सर। अच्छा, अब अगर हम मिडिवल हिस्ट्री में देखें तो बहुत सारे ऐसे मुग़ल बादशाह थे जिनके दरबार में और जिनके हरम में ट्रांसजेंडर को अपॉइंट किया जाता था। यस सर। क्यों वो ट्रांसजेंडर अपॉइंट करते थे? ऐसी घटना हमको ना एंशियंट में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, ना मॉडर्न में बहुत दिखाई देती हैं, मिडिवल एज में ऐसी क्यों दिखाई देती हैं? सर, इसके बारे में इतना पढ़ा तो नहीं है, लेकिन सर इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे सर, अगर एक एग्ज़ाम्पल लें मुग़लों के संदर्भ में नहीं बल्कि मलिक कफ़ूर का एग्ज़ाम्पल अलाउद्दीन के संदर्भ में अगर ले लें, तो सर वो भी संभवतः एक ट्रांसजेंडर थे, और उनकी जो शक्ति थी, उनकी जो सोचने का तरीका था, डिसीजन मेकिंग थी, उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उन्हें चुना गया था। अच्छा जी सर। अच्छा, कई बार कहा जाता है कि गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को अकस्मात स्थगित कर दिया था, तो ये उनकी भूल मानी जाती है। और कई बार गांधी जी के कई उनके जो कृत्य थे उसको लेकर के प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं कि ये गांधी ने भूल की थी। जी सर। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन राइज होते हैं, कुछ बता सकते हैं? सर, गांधी जी की रणनीति बाकी लोगों के कंपैरिजन में थोड़ी सी अलग थी। सर, वो संघर्ष विराम संघर्ष में विश्वास रखते थे। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर सर, असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, और सर उसके बाद असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया था चौरा चौरी के बाद। सर, इसमें बहुत सारे जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने इसके विरोध में आवाज़ उठाई थी कि ऐसा करना गलत होगा, लेकिन सर दरअसल गांधी जी आंदोलन के महत्व को समझते थे। वो उसके जनाधार को कम होते नहीं देखना चाहते थे, और सर उनका मानना था कि जनता की ऊर्जा सीमित होती है, तो सर जनता की ऊर्जा सीमित होती है इस आधार पर उन्होंने आंदोलन को वापस लिया था। और सर वो हिंसा के भी विरुद्ध थे, तो उन्होंने चौरा चौरी में जो हिंसा देखी तो उन्हें लगा कि शायद जनता भी अहिंसा के मार्ग को समझने में असमर्थ है, इसलिए ये भी कारण था सर एक आंदोलन को वापस लेने का। अच्छा, इतिहास के पुनर्लेखन की बात चल रही है, और अब ये मांग की अभी तक ये माना जाता था कि जो हम इतिहास पढ़ते आए हैं वो बहुत अच्छा था, लेकिन जो नए तथ्य आज सामने आ रहे हैं, नए शोध सामने आ रहे हैं, उसके हिसाब से कई घटनाओं को लगता है कि नहीं, हम अब तक गलत पढ़ते आए थे। तो इतिहास में अगर पुनर्लेखन की बात हो तो क्या क्या इतिहास की किताबों में जोड़ा जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? सर, दरअसल हिस्ट्री जो है वो सर वॉलेटाइल है काफ़ी। हमें ऐसा लगता है कि इतिहास में जो कुछ है सारा फिक्स है, लेकिन सर ये रियलिटी नहीं होती है, क्योंकि सर लिटरेरी सोर्सेज के आधार पर कई सारा इतिहास लिखा गया है, और एक्सकेवेशंस इतने ज़्यादा हुए नहीं क्योंकि हमारे पास कैपिटल इतना था नहीं सर 1947 के बाद। सर, जब कैपिटल आया और धीरे धीरे हमने एक्सकेवेशंस करना शुरू किए, तो हमने हिस्ट्री राइटिंग में भी चेंजेस देखे। इसका सर दूसरा पार्ट ये भी है कि हिस्ट्री राइटिंग पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के हिसाब से की जाती रही है। एग्जांपल के तौर पर जब कॉलोनियल रूलर्स थे हमारे साथ में अंग्रेज़ थे, तो सर उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए हिस्ट्री राइटिंग करवाई थी। एक वक्त पर ओरिएंटलिस्ट जो थे उन्होंने भारत के समाज को बहुत अच्छा दिखाया था कि भारत के लोग अपने ही चीज़ों में बिजी रहे और आगे ना बढ़ सके। दूसरी तरफ एंग्लिश ने बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाया ताकि वो लोग अपने ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई कर सकें। फिर सर ऐसे ही उनके विरोध में
जो नेशनलिस्ट राइटर थे वो लोग आए, उन्होंने गोल्डन एज का कंसेप्ट दिया, फिर सर मार्क्सिस्ट आए, मार्क्सिस्ट ने इकोनॉमिक आधार पे काफ़ी ज़्यादा कुछ बताया। तो सर इस तरह से हिस्ट्री राइटिंग एक इवॉल्विंग प्रोसेस है सर, और आजकल जो हिस्ट्री राइटिंग है सर वो भी उसका नेक्स्ट स्टेज है सर। तो ये सर जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताता हूँ सर, ऐसा माना जाता था कि भारत में जो नगरीकरण हुआ है 600 BC वाला, वो सर नॉर्थ इंडिया में हुआ है। लेकिन सर अभी जो किलाड़ी एक्सकेवेशन हुआ है तमिलनाडु में, वहाँ से हमें पता चला है कि संभवतः साउथ इंडिया में भी नगरीकरण था उस वक्त पर। तो सर थोड़ी सी हिस्ट्री राइटिंग में तो चेंज आएंगे सर। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि किस शासक ने चमड़े का सिक्का चलाया था, बता सकते हैं? सर चमड़े के सिक्के के बारे में नहीं सुना मैंने, लेकिन सर मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे और कांस्य का और तांबे का सिक्का ज़रूर चलाया था। नहीं, चमड़े का सिक्का। चमड़े का सिक्का सर मैंने सुना नहीं, माफ़ी चाहता हूँ सर। थैंक यू। चेस आपकी हॉबी है? यस सर। एक चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होता है? सॉरी सर काउंट नहीं कर पा रहा सर। आपकी दूसरी हॉबी राइटिंग पोएम। कहा जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसको कैसे आप एक्सप्लेन कीजिए? सर दरअसल जो कवि होता है सर वो कल्पनाशील होता है। तो सर जहाँ पर बहुत सारी हम तार्किकता की बात नहीं कर पाते वहाँ कल्पना पहुँच जाती है सर, इसलिए सर ये कहावत शायद बहुत फेमस रही है कि जहाँ ना पहुँचे वहाँ पहुँचे कवि। बीटेक के इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग सर, से तो वहाँ इस कल्पनाशीलता का आपने कुछ उपयोग किया या वहाँ से कल्पनाशीलता को लेकर के आप हॉबीज़ में इसको? दरअसल बात ये है सर, ये मेरी इतनी पुरानी हॉबी है नहीं सर, और जब मैं बीटेक में था तब ये हॉबी थी नहीं। उसके बाद जब मैं बीटेक में सर मैंने प्लेसमेंट में ज्वाइन नहीं किया, फिर सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा, तो सर उसके बाद ये मेरी हॉबी डेवलप हुई है जब से मैंने आर्ट साइड सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू किए हैं सर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हॉबी एंड हैबिट? सर सबसे पहला तो इंटरेस्ट होता है सर, इंटरेस्ट जब इतना ज़्यादा हो जाए कि वो हमें मजबूर कर दे किसी चीज़ को बार बार उस पर आने के लिए, तो उसे हॉबी कहते हैं सर। और हॉबी जब सर हैबिट बता सकता हूँ सर, हैबिट वो चीज़ है जो हम डेली कार्यक्रम में रखते हैं और सर वो आदत बन जाती है, मतलब लगातार हम उसे एक शेड्यूल के हिसाब से करते हैं तो सर वो हैबिट बन जाती है। और हॉबी क्या होता है बिना शेड्यूल के हम करते हैं? ये सर वो कभी भी कर सकते हैं सर हॉबी, मतलब आप लीजर टाइम में हम चाहें तो उसको कर, हाँ सर फ्री टाइम में कर सकते हैं सर। कभी कभी हम उसके लिए अलग से टाइम निकाल भी लेते हैं अपने ज़रूरी टाइम में से भी। अभी जी सेवन की मीटिंग है, इंडिया भी उसमें गया हुआ था, क्या उसका आउटकम रहा उस मीटिंग का? सर सच बताऊँ तो मैंने इतना अभी गौर से उसे एनालाइज नहीं किया सर G7 मीटिंग को। I2U2 ऑर्गेनाइजेशन अभी एक आया है, क्या है ये I2 और U2? सर इसे एक क्वाड की तरह माना जा रहा है सर, I2 में इसराइल इंडिया और U2 में UAE और USA, ये चार देश जुड़ रहे हैं जो अपने कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करेंगे। इसका वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ है? यस सर। आपने इसको देखा पढ़ा? सर देखा था। क्या रहा है इसका आउटकम? सर अभी तो मुझे लगता है सर शुरुआत है, तो पहला दूसरा समिट इतना ज़्यादा, इस समिट में कुछ डिसीजंस लिए गए हैं ना, मैं इस समिट की बात कर रहा हूँ, इसका आउटकम क्या? सॉरी सर नहीं पता सर। आप झांसी से बिलोंग करते हैं? यस सर। कितना है ज्योग्राफिकल एरिया आपके डिस्ट्रिक्ट का, क्षेत्रफल? सर अराउंड बता सकता हूँ 5,000 किलोमीटर स्क्वायर के अराउंड है। अच्छा, और जनसंख्या कितनी है सिटी की सर? झांसी जिले की? झांसी जिले की 19 लाख के अराउंड है सर। अच्छा, सेक्स रेशियो क्या आपके जिले का? बुंदेलखंड का या झांसी का सर? आप झांसी से हैं या बुंदेलखंड से हैं? सर झांसी से हूँ सर। झांसी का सेक्स रेशियो नहीं पता सर मुझे। एडुकेशन रेशियो? सॉरी सर लिटरेसी रेट नहीं पता सर। ठीक है, ये बताइए कि मूल अधिकार और अन्य अधिकारों में क्या फ़र्क होता है? सर जो अधिकार हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट राइट्स को हमने मूल अधिकार में शामिल किया है। नहीं, परिभाषा बताइए, राज व्यवस्था के हिसाब से बताइए, जनरल नहीं। ठीक है सर। सर मूल अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में Part 3 में डिफाइंड है, और सर मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध लोगों को प्रदान किए गए अधिकार हैं। अधिकार क्या है सर, जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पर? नहीं नहीं एग्जाम्पल नहीं, आपने मूल अधिकार अपने हिसाब से बताया जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है,
तो अधिकार ही बता दीजिए कि अधिकार क्या होता है। अधिकार क्या होते हैं सर? राइट्स सर कई तरह के होते हैं सर। नहीं, जैसे प्रकार नहीं, होता क्या है ये बताइए सर। अधिकार किसी भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के वो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जो सर उसे मिलनी आवश्यक होती हैं, और सर जिससे उसका एग्जिस्टेंस भी होता है सर। जैसे सर अगर जीवन का अधिकार है तो सर ये किसी व्यक्ति के लिए मूलभूत है सर, तो वो उसके मिलना चाहिए उसे। अगर भारत को अपना राजस्व घाटा कम करना है तो क्या करना चाहिए? तीन पॉइंट्स बताइए सर। एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, इम्पोर्ट से ज़्यादा करना चाहिए। व्यापार घाटा नहीं पूछ रहा हूँ, राजस्व घाटा पूछ रहा हूँ, रेवेन्यू डेफिसिट। सर रेवेन्यू के लिए सर टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होना चाहिए सर, सबसे पहली चीज़ तो ये है, जो कि भारत में थोड़ा सा कम रह गया है टैक्स कलेक्शन सर। सेकेंडली स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, उससे भी सर टैक्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, और सर उसके बाद टैक्स ज़्यादा हम कलेक्ट कर सकेंगे। इसके अलावा सर नहीं याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, अभी जैसे कि हाल ही में भारत सरकार ने अनाज तक पे टैक्स लगा दिया है, वो सही किया है गलत किया है? सर दोनों पहलू हैं सर इसके। सर गलत इसलिए है क्योंकि जो सर मिडिल इनकम वाले लोग होते हैं उन पर काफ़ी बोझ पड़ेगा इससे, और सर सही इसलिए है क्योंकि सरकार का अगर टैक्स ज़्यादा आएगा सरकार के पास। फिर भी इतना खाने तक की चीज़ों पर टैक्स लगाने के बाद भी सरकार का राजस्व घाटा लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है? सर राजस्व घाटा सर वेलफेयर मेजर्स बहुत सारे लेती है सरकार, इसके कारण भी सर राजस्व घाटा रुपया लगातार गिरता जा रहा है, इसका क्या कारण है? सर इसके बहुत सारे कारण है सर। तीन कारण बताइए सर। एक कारण सर यूक्रेन रशिया वॉर है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं सर। क्रूड ऑयल का जो रेट है बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, जिसके कारण सर हमें क्रूड ऑयल परचेज करना पड़ता है, तो सर बाहर हमारी मुद्रा जाती है सर। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी सर ज़्यादा है, तो ये तीन तो एक ही कारण होगा। हाँ सर। अच्छा, श्रीलंका दिवालिया कैसे हो गया, उसने क्या गलतियाँ की? सर पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा अपनाई हैं श्रीलंका ने, इसके कारण सर। और सर इसके अलावा सर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं श्रीलंका ने जो सर बहुत ज़्यादा फ़ायदे के प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। एक एग्जांपल के तौर पर हमन टोटा को हम देख सकते हैं सर, चीन से लोन लेते गए वो लगातार, और उसके बाद सर उनके पास उन्होंने इतना लोन लिया जिसके उनके पास इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो सर ये सब कारण है। आप किस सेवा में जाना चाहेंगे सिलेक्शन के बाद से? सर मैंने प्रेफरेंस डिप्टी कलेक्टर को दिया है। डिप्टी कलेक्टर को दिया, ठीक। You done your BTEC from a non-mainstream subject like information and control, instrumentation and control. Yes. What is the scope of such subject? Sir, I would like to tell you the background why I chose this subject first. Because sir, मैं एक small town से आया था और मुझे ज़्यादा पता नहीं था, इसलिए मैंने instrumentation and control engineering चुन ली सर। मिल गया कि मिल गया? मिल गया सर, मुझे गलगोडियास कॉलेज चाहिए था सर। उसके अलावा मुझे जब स्कोप के बारे में पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। स्कोप इसका ऑटोमेटिक ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा सर रोबोटिक्स में इसका स्कोप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका स्कोप है सर। अगर कंपनीज़ की बात करें तो कोई भी ऐसी कंपनी जो ऑटोमेशन में इन्वॉल्व है, या फिर सर जैसे एग्जांपल के तौर पर नेस्ले ले सकते हैं चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अबाबा, बहुत सारी कंपनीज जो इसका स्कोप। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का सर एक नेक्स्ट स्टेप है सर। इसमें एक मशीन खुद की समझ के आधार पर फैसले लेती है, डिसीजन मेकिंग का काम करती है। राइटिंग पोएम इज योर हॉबी? यस सर। लेटेस्ट पोएम यू? सर लेटेस्ट पोएम जो मैंने लिखी है वो याद नहीं है सर। हॉबी है ना आपका? यस सर, यस सर, राइटिंग पोएम्स मेरी हॉबी है सर। मैंने सर हिस्ट्री ऑप्शनल है मेरा, तो उसी में मतलब कभी लिखा? हाँ सर बता सकता हूँ, सुनाना है सर वो पोएम? पोएम इस तरह से है, बात हड़प्पा काल की है, ज़िंदगी कुछ खुशहाल सी है, फिर क्यों अंधेरा सा होता है, सब कुछ धुंधला सा दिखता है, प्रकृति ने करवट बदली सी है, धरती पर ज्वालाएं जलती सी हैं, क्या यह है कोई मानवीय आपदा, यह है कोई दैवीय व्यथा, संज्ञान मुझे ना होता है, फिर क्यों मन ही मन रोता है। ये सोनेट एंड बलाड के बारे में? सर नहीं सुना सर, सॉरी।
छात्र चौपाई दो हम। सर मैं पढ़ता बहुत कम हूँ सर, पोएम्स वगैरह और हिंदी, लेकिन लिखना मेरी हॉबी है सर। तो रीजनल पोएम्स लिखते हुए हैं कि केवल इशू बेस्ड पोएम्स, जैसे हिस्टोरिकल आपने हड़प्पा? यस सर, इशू बेस्ड पोएम्स ही मेरा मेन फोकस है सर। अभी इंडिया के यंगेस्ट चेस चैंपियन कौन है? सर मैंने प्रज्ञानंद का नाम सुना था, जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया, इसके बाद सर मैंने नहीं देखा है। अभी इंडिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं। यस सर। इसकी काउंटिंग कब हो रही है? सॉरी सर डेट नहीं आते सर। कौन मोस्ट प्रोबेबल प्रेसिडेंट है? मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट गिरीश चंद्र मुर्मू। और व्हाट नेम? क्या द्रौपदी मुर्मू जी हैं, माफी चाहता हूं सर। कौन से नंबर की प्रेसिडेंट होंगी ये? इफ सॉरी सर नहीं नहीं बता सकता सर। कहां से बिलोंग करती हैं? सर ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। ये किसी ट्राइब से आती है? किस ट्राइब से? सर नहीं पता सर। अच्छा जी, इसका कुछ मीनिंग होगा, ये पहली आदिवासी महिला होने जा रही है राष्ट्रपति। यस सर। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, या केवल पॉलिटिकल एजेंडा है? नहीं सर ऐसा, सर पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है, क्योंकि सर जो रूलिंग पार्टी है उसका स्लोगन ही है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सर जब बात सबके साथ और सबके विकास की आती है तो सर इसमें हर वर्ग के व्यक्ति को शामिल होना चाहिए सर। और अभी तक भारत में कोई भी एसटी प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, तो सर एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सबको साथ लेके चलने वाली बात आती है, तो जो समाज के लिए सर बहुत अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज है सर। जॉबलेस ग्रुप क्या होता है? सॉरी सर, जैसे आपने जब अपना बीटेक कंप्लीट किया तो ये आपके लिए वॉलंटरी था कि आप जॉब नहीं किए, या जॉब का ऑप्शन कब था? सर मेरे पास प्लेसमेंट का ऑफर था, मैंने जॉब नहीं की सर। कोई एक्सपीरियंस नहीं है जॉब का? नो सर। फिर आपका बीटेक करना ठीक है? सर एक करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पर मैंने शुरुआत में इसे देखा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे इंटरेस्ट सर सिविल सर्विसेज की फील्ड में है, तो फिर मैंने उस फील्ड में जाना ठीक नहीं समझा सर। इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल में क्वालिटी कंट्रोल पॉलिटिक नहीं एज अ सब्जेक्ट सर, एज अ ब्रांच हो गया ना क्वालिटी कंट्रोल। सर ब्रांच इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल थी, उसमें सर अलग अलग सब्जेक्ट्स थे। हाँ, उसमें एक क्वालिटी कंट्रोल था कि नहीं था? सर क्वालिटी कंट्रोल नहीं था सर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग थी, सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन था सर। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, अभी तक हम जितनी बाइक देखते हैं यस सर, वो सब में पेट्रोल बाइक हैं या? यस सर। या इलेक्ट्रिक बाइक कब आ गई हैं? यस सर। आज तक डीजल की बाइक क्यों नहीं बनाई गई, डीजल इंजन की बाइक क्यों नहीं बनाई गई? सर टेक्निकल नहीं बता पाऊँगा सर, इसका टेक्निकल आस्पेक्ट नहीं पता सर मुझे। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या पढ़ते हैं आप? सर इंस्ट्रूमेंटेशन में हम बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता करते हैं, इसके अलावा सर कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं हम। नहीं तो उसमें क्या टॉपिक क्या होते हैं ये बताइए ना सर। जैसे पावर से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या कंट्रोलिंग मेजर्स यूज़ होते हैं सर, इसके अलावा मशीन्स को कैसे हम कंट्रोल करते हैं सर। मेट्रो में जर्नी की है कभी आपने दिल्ली में? यस सर। तो वो टोकन कैसे बता देता है कि आप इतने दूर से इतने दूर तक गए, टच करते हैं और आप निकल आते हैं, उससे ज़्यादा जर्नी की है आपने, तो वो रेड सिग्नल देता है? क्या इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें? RFID बेस्ड कार्ड होता है या फिर टोकन होता है सर, तो RFID में सर वो सेंसर्स का यूज़ किया जाता है, तो सर उसके आधार पर वो बता देता है सर। कैसे किस प्रोसेस पर काम करता है कुछ बताएंगे? सर टेक्नोलॉजी तो सेंसर बेस्ड है सर, सर प्रोसेस पूरा नहीं बताता हूँ क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन की आपने बात की है। जैसे मान लीजिए अब तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने प्रीपेड मीटर लगाना शुरू कर दिया है, ठीक है सर, ठीक है, और जैसे ही हमारी बिल समाप्त होती है, वो बैठे बैठे अपने ऑफिस से ही हमारा जो बिजली का कनेक्शन है उसको वहाँ पर वो ब्रेक कर देते हैं, हमारी सप्लाई बंद हो जाती है, कैसे होता है ये? सर इसके दो तीन पार्ट भी हो सकते हैं सर, पहला तो ये जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड मशीन्स यूज़ हो सकती हैं सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ हो सकता है सर, लेकिन इंडिया में इतने बड़े लेवल पे इसका यूज़ करना बहुत मुश्किल लगता है सर। नहीं अभी हो रहा है दिल्ली में तो हो रहा है? हाँ सर दिल्ली में पॉसिबल हो सकता है क्योंकि सर दिल्ली का एरिया इतना ज़्यादा। कैसे, मैं वो जानना चाहता हूँ क्या इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ किया जाता है कि यहाँ से बैठे बैठे वो हमारा पावर जो है वो कट कर देते हैं, और जैसे हम पैसा जमा करते हैं उनको मैसेज करते हैं, फिर वो वहीं से ऑन कर देते हैं, हमारे घर में बिजली सप्लाई चली जाती है? सॉरी सर मुझे पता नहीं है सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। ठीक है सर। अभी सरकार, आपने जैसा भी चर्चा हो रही थी कि यूपी में हाईवेज़ का डेवलपमेंट किया जा रहा है,
मान लीजिए आप कहीं SDM अपॉइंटेड हैं और हाईवे बनाना है, तो जब आप हाईवे के लिए रास्ता निकाल रहे हैं तो वहाँ पर एक कोई धार्मिक स्थल है, सरकार का ये कहना है कि जल्दी से ही उस हाईवे के लैंड एक्विजिशन को पूरा किया जाए और उसमें वो धार्मिक स्थल आ रहा है, जनता विरोध कर रही कि नहीं, हम अपने धार्मिक स्थल को आपको नहीं देंगे, और सरकार का दबाव है कि नहीं जल्दी से लैंड एक्विजिशन किया जाए ताकि हाईवे के प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। ये सिचुएशंस आपके सामने आती है तो कैसे उसको टैकल करेंगे? सर इसमें रूल बेस्ड अप्रोच अपनानी चाहिए सर, और सर रूल ये कहता है कि सरकार की बात मान्य होगी, तो सर जनता को इसमें कन्विंस करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सर जनता इस बात को समझ सकेगी अगर कोई है। नहीं, वो नहीं समझ रही है इसके बदले, बल्कि वो अगर आप टच करेंगे उस धर्मस्थल को उड़ाने की कोशिश करेंगे तो वो हिंसात्मक भी हो सकती है, वो हिंसा करने को तैयार है। सर इसके लिए सर कुछ फोर्स की ज़रूरत भी पड़ेगी हमें, ताकि किसी भी तरह का वायलेंस ना हो सके उस साइट पर। उसके बाद सर अगर ये मैटर ऊपर चला जाता है तो वो लोग इस बात को देख लेंगे। अगर ये मैटर मेरे पास है सर एज एन STM, तो सर मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उस धार्मिक स्थल को हटाकर, अगर वो ऐतिहासिक ना हो, क्योंकि अगर ऐतिहासिक होगी तो उसके अलग आस्पेक्ट हो सकते हैं सर, अगर वो ऐतिहासिक नहीं है तो सर पब्लिक वेलफेयर के लिए उस धार्मिक स्थल को हटाना सर आवश्यक होगा सर। चलिए मैं इसी बात को थोड़ा सा और ट्विस्ट करके पूछता हूँ आपसे कि धार्मिक स्थल है और चूँकि हाईवे बनाएंगे तो पब्लिक को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, उनको और अच्छे से ट्रैफिक मिल पाएगा, फ्री फ्लो हो पाएगा ट्रैफिक का, तो आपको लगता है कि नहीं हमें रोड का एक्सपेंशन करना चाहिए, लेकिन फिर वही धार्मिक स्थल बीच में आ जाता है, ठीक है, आप उसको हटाना चाहते हैं, जनता ने विरोध किया फिर भी आपने कहा नहीं हटना चाहिए क्योंकि इससे मास को फ़ायदा होगा, आपने ट्राई किया लेकिन ऊपर से आपके पास प्रेशर आ रहा है कि नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है कि नहीं आप मत हटाइए, चूँकि हटाएंगे तो हमारा वहाँ उस क्षेत्र का वोट बैंक प्रभावित होगा, क्या करेंगे आप? सर ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है वो सरकार की तरफ से है या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से है। अगर सर सरकार की तरफ से ऐसा रिटेन में ऑर्डर है तो सर मुझे ये बात माननी होगी, अगर सर रिटेन में ये ऑर्डर नहीं है तो फिर ऑर्डर नहीं देता, ठीक है सर, अगर ऐसा ऑर्डर नहीं आएगा सर फिर तो मुझे वही कदम उठाना पड़ेगा जो सर पहले मैंने बताया है सर। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।